अच्छा आपने ऐसे देखा था मुझे। क्यों और मैंने नंबर सेव कर लिया था। तुमने मेरा नंबर सेव किया था मेरे उस टाइम पर? करूं मैं आपका नंबर सेव? अच्छा कैसा लगा मेरा मजाक? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज क्या होने वाला है। टुडे आज क्या होने वाला है? टुडे वी आर गोइंग टू शेयर आवर लव स्टोरी व्लॉग 1। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइज, हमको बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अपना लव स्टोरी का व्लॉग बनाओ, व्लॉग बनाओ। तो आज हमने शेयर योर लव स्टोरी। सो फाइनली वी डिसाइडेड मेक अवर लव स्टोरी व्लॉग फाइनली। सो ये पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 1 क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है, 2014 से लेकर आज 2023 तक, तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हमने सोचा कि उसको पार्ट वाइज बनाते हैं, ठीक है? सो दिस विल आवर फर्स्ट पार्ट। अब हमें लव स्टोरी को बनाने का थोड़ा वो आइडिया नहीं पता लगे कि कैसे बनाए, तो हमने एक आइडिया सोचा है कि इसको एक वे सोचा है कि कैसे इसको बताया जाए आप लोगों को, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि हम आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस, और उससे आपको पता भी चल जाएगा कि कैसा कैसे कुछ वादा करके, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने मुझे सबसे पहले कब नोटिस किया था कॉलेज में, और कैसे इन्होंने मुझे देखा करके, जो भी हुआ वो सब मैं पूछता हूँ। तो आप बताओ सबसे पहले कैसे आपने मुझे नोटिस किया था, कहाँ, मतलब क्या दिखा आपको ऐसा कुछ हो गया करके? मैंने आपको फर्स्टली तब नोटिस किया था ना, जब आप, एक तो मैं फ्रंट बेंच पे बैठती थी, मैं और मेरी फ्रेंड, उसका मैं नाम नहीं ले रही हूँ अभी, तो हम लोग रोज यही नोटिस करते थे, ये एक लड़का है जो ये रोज लेट आता है। एक तो लेट आता है, ऊपर से मैम लोग को इतना विश करता है कि मैम लोग को गुस्सा ना आए, और एक हम है जो टाइम पे आ जाते हैं पंचुअल तरीके से, हमको कोई देखता था क्लास में। तो ये वही लड़का था जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, इतना लेट आएगा और बिल्कुल आके डिसिप्लिन में बिल्कुल मैम मैम। सो दिस इज द वे इन्होंने मुझे पहली बार कैसे कहाँ नोटिस किया था, जो भी सर्कल ब्रांचेस है उन्होंने बता दिया। अब आप भी बता ही दो। और मैंने इनको पहली बार कब नोटिस किया कि हमारा ना फिजिक्स सेम चल रहा था, तो हमारे फिजिक्स वाले जो सर थे उन लोग वो क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चों से, क्योंकि नए नए बच्चे आए थे कॉलेज में, तो फिजिक्स में बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं 12th में जो पढ़े थे वो पूछ रहे थे। तो हमने क्वेश्चन पूछा और सबको उठाया, किसी को नहीं आया, लाइन बाई सबको उठाया, किसी को नहीं आया। तो फिर इन्हें भी उठाया, इन्होंने बताया, इन्होंने आंसर बता दिया। तो सर बड़े इंप्रेस हो गए कि एक ऐसी लड़की है, फर्स्ट एक ही लड़की है जो आंसर बता पा रही है, आगे सारे तो खड़े हो गए करके। तो फिर सर ने इनका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, ये करके, आप कौन से कॉलेज स्कूल से पढ़ के आए हो, सब करके। तो इस टाइम से मैंने दिया, अच्छा ये है नाम, मेरे को पता चाहिए करके। तो मैंने देखा भी पहली बार ऐसा करके, तो ऐसे नोटिस हुआ था। अच्छा आपने ऐसे देखा था मुझे। तो ये था कि जैसा हमने एक दूसरे को देखा था। हाँ सर ने मेरी बहुत तारीफ कर दी थी ना, तो इनको हजम नहीं हुई वो। इनने सोचा मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे आगे क्लास में। ये बात थी, तभी आपने मुझे नोटिस किया, नहीं तो आप मुझे नोटिस नहीं। जो भी है वो मेरी स्टोरी है, मैं जैसे बताऊँ, ठीक है? चलो फाइन, क्योंकि अभी हम अलग अलग स्टोरी में, तो जो जैसा मेरे को अच्छा लग रहा है ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है? तो कुछ आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम एक दूसरे को हमने पहली बार मिले थे या कैसे नोटिस किया था करके। और भी कोई था क्या जैसे हम नोटिस हुए थे? पहली बार तो हमने इसको देख लिया था कि हाँ ये कुछ अलग सा है ये। हाँ, दोनों वो डिफरेंट डिफरेंट थे, तो नोटिस हो गए, थोड़ा थोड़ा नोटिस तो हो गए। हाँ, कैसा है करके, कुछ डिफरेंट ये, कुछ डिफरेंट में। और कुछ याद है आपको ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये क्लास में आए, ये क्लास में आंसर करते थे बहुत ज्यादा, क्लास में मैम क्वेश्चन पूछेंगी, एक ही क्लास में लड़का था जो आंसर करता था, ये वो थे कमलेश जोशी जी, और मैम को भी इनका नाम याद हो गया। तो बार बार मैम भी कमलेश स्टैंड अप गिव आंसर, यही देते थे आंसर सारे, तो ये बहुत क्लास में इनका वो हो गया था खौफ, एक ही लड़का है जो क्लास में आंसर देता है, बाकी तो सारे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, सारे ऐसे ही बैठे रहते थे बाकी। ऐसा ही होगा फिर। ऐसा ही था, कह रहे हो तो हो गए, ठीक है? तो ऐसा था। और दूसरा ना एक चीज और थी कि इनको ना वो हमारे वहाँ लैब में ना तो मॉनिटर बनाते थे, कि जैसे लैब की कोई भी एक्टिविटीज होती है तो उसको कौन देखेगा, और फिर उसको जो भी इसका जो एट द एंड कंक्लूजन निकला उसको टीचर को कौन देखेगा करके रिपोर्ट बनानी होती थी, तो उसका इनको मॉनिटर बना दिया था, जो भी लैब की कार्रवाई होती थी, देख रहे वगैरह, जो मतलब लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट अच्छे ढंग से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजें यही देखते थे। वैसे घर की मॉनिटर भी मैं ही हूँ। वहाँ भी मॉनिटर गई नहीं मेरी, तो ये जो मॉनिटर वाली पॉलिसी है ना, ये तब से चल रही है, अभी तक चली रही है ये, ठीक है? चलो जोक्स अपार्ट, तो पहला क्वेश्चन हो गया है, हम कैसे एक दूसरे को नोटिस किया तो हमने बता दिया, तो वो क्लियर है। अब एक और एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे नंबर कैसे एक्सचेंज हुए थे एक दूसरे के,
एक्सचेंज भी नहीं, मतलब एक दूसरे नंबर कैसे पता चले थे, तो स्टोरी मैं बताता हूँ, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है वो और कोइंसिडेंस ही कह सकते हैं उसे। तो क्या हुआ था ना, जैसे मैंने बताया कि ये लैब की थोड़ा मॉनिटर थी, तो उनकी मैम के साथ थोड़ी क्लोजनेस रहती थी कि हाँ क्या क्या करना है क्या करना है, सब उनको ज़्यादा बता रहता था यू नो मैं क्या बोलना चाहूँ। तो क्या होता था कि शायद 2-3 दिनों के हमारे कॉलेज बंद था और हमको कुछ एक्सपेरिमेंट दिया था मैम ने, ये करना है करके उसकी रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो उस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे करना है, उसको कैसे फिलअप करना है करके। तो जो हमारे ग्रुप था बॉयज का ग्रुप, तो वो मतलब उनका जाऊंगा भी तो कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि पता है गर्ल्सी तो ऐसा था कि गर्ल्स कर लेंगे डेफिनेटली, और मैं कितना पता होगा करेक्ट। तो हम मैं उनसे किसी से बात भी नहीं करता था और नहीं होता था बात, क्योंकि नए नए थे नहीं होता था। तो फिर क्या हुआ कि मेरे को लगा कि हाँ यार वो लैब की मॉनिटर है, तो उनसे बात भी करेंगे तो ऑकवर्ड ही फील नहीं हुआ, क्योंकि हम एज अ कंसर्न ही कर रहे हैं कि हमको जानना है करके, ऐसा कुछ जाएगा नहीं, किसी और से कहेंगे तो कहेंगे यार तू मुझसे क्यों पूछा करके। अब इनसे पूछता तो ऐसा लगता है कि लैब क्यों है, तो पूछने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब दिक्कत ये थी कि नंबर कहाँ से लाएं। तो क्या हुआ कि हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड था, मैं नाम नहीं बोलूंगा उसका, तो वो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड था। तो मैंने उससे बोला यार ब्रो ऐसा है कि ऐसा सा कुछ हो गया है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो पा रहा रिपोर्ट, तो तू वो जो लैब मॉनिटर है ना वो नहीं, तो उनका नंबर चाहिए मुझे दे दे। तो आई थिंक उसका नंबर सेफ था क्योंकि वो उनके साथ भी रहता था, वहाँ उनके सर्कल में रहता था, तो उसने मुझे नंबर दे दिया। तो ऐसा तो मुझे नंबर मिला, मैंने सर्कल में नहीं था, वो मेरी फ्रेंड थी तो उससे कॉन्टेक्ट। ओके, तो इनके जो फ्रेंड थे शायद उनके साथ कुछ तो था, मतलब उनके पास नंबर, उसके पास नंबर था, तो मैंने नंबर ले लिया, मैंने सेव कर लिया। तो फिर मैंने कॉल लगाया और मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले ली जो मुझे चाहिए थी, जस्ट इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं, जस्ट कॉल किया था नॉर्मल कॉल, और मैंने नंबर सेव कर लिया था। तुमने मेरा नंबर सेव किया था मेरे उस टाइम पर? क्यों करूं मैं आपका नंबर सेव? हां नहीं नहीं सच बताओ यार, नहीं किया था सेव। अब्बा मुझे लगा कि मैंने ही नंबर सेव कर दिया, मैंने तो कर दिया भाई, ठीक है इन्होंने नहीं किया होगा। किस नाम से किया था ये भी बता दो। नया लैब मॉनिटर, ठीक है। तो मैंने कर दिया था नंबर सेव, ठीक हो गया। तो इन्होंने नहीं किया, झूठ बोले, इन्होंने किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, बट नहीं बताने जा रही, ठीक है उनकी स्टोरी है, मैं कि मेरे को क्या होता, बट मैंने कर दिया था, मैं तो सच बता रहा हूँ भाई, मैंने कर दिया था। और तो ऐसा हमारे नंबर एक्सचेंज हुए थे, मतलब एक्सचेंज मतलब मुझे मिल गया था नंबर और इनको भी मेरा नंबर मिल गया था, अभी सेव नहीं किया वो अलग बात है। तो नंबर हमारा ऐसे हो गया, हमको एक दूसरे के नंबर मिल गए। तो अब क्या हुआ कि अब बॉयज में क्या होता है आपको पता ही है, जैसे मैंने एक बार बात कर ली किसी लड़की से और पता चल गया, पता लगी हाँ ये बात कर रहा है, इवन तो मैंने बस इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बात कर ली, लेकिन वहाँ अलग ही बात चल जाती है, ये बात कर रहा है ये वो भाभी है, भाभी तो भाभी बना दिया कि हाँ भाई की भाभी हो गई, हमारी मिल गई भाभी, बस कुछ भी नहीं राहुल की, बस जस्ट लाइक दैट बॉयज करते हैं, यू नो दैट राइट, जो ऐसा होता है। तो यार थोड़ा एम्बैरेसिंग भी हो गया था, मैंने कहा हॉस्टल में तो चलता है, लेकिन उन्होंने क्लास में भी करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता था कि क्लास में जाते थे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन में आंसर कॉमन थिंग थी हमारी, इनको भी आंसर देने की आदत थी, गर्ल्स में मैं आंसर देती थी, तो मैंने आंसर दिए। तो जब नहीं पहले क्या होता था कि जब टीचर क्वेश्चन पूछेगा तो जैसे ही मैं नहीं जैसे ये उठते थे आंसर देने के, तो वहां से चलाने लग जाएंगे, भाभी आंसर दे रही है ऐसे करके मेरे को पॉइंट करके, वेस्ट दैट, वो सब बहुत एम्बैरेसिंग था एक्चुअली, वो नहीं होना था हमारे मतलब बीच में कुछ ऐसा था ही नहीं था, जस्ट फॉर्मल टॉक किया था, बट उन लोगों ने कर दिया, एक दिन रोज का हो गया, वो रोज का हो गया, करते 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 दिमाग बिल्कुल ऐसा हो गया कि यार क्या कर रहे हैं, भाभी बना दी अंडी लास्ट सन्डे की, कहीं ना कहीं उन लोगों का भी योगदान है, बहुत योगदान है सबका, सभी को थैंक यू सबको। तो उनकी जो वो हरकतें थी उस टाइम पे, इवन दो बहुत क्लीशे था, बट उससे काफी वो वर्क कर गया, होता ही है तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट, वो हो गया कॉलेज लाइफ में ये सब चलता ही करके। मैं स्टार्टिंग से बहुत इंट्रोवर्ट थी और मेरी लाइफ में मेरे भैया का बहुत बड़ा रोल है और मैं भैया से बहुत डरती भी थी, तो चाहे क्लास में कुछ भी चलता रहता था बट मैं इन चीज़ों पे ध्यान देती भी नहीं थी, ये तो सभी कॉलेजेस में ऐसा चलते रहता है। कैसा था ना कि मतलब अपने काम से काम मतलब रखते थे, जो करना मतलब कॉलेज में आओ पढ़ाई करो और जो भी है जो भी एक्टिविटी करनी हो करो और जाओ, आप भी ऐसे ही थे, मैं भी ऐसे ही था, बट औरों को हो जाती है ना पीछे से कि ये कुछ तो चल रहा है, कुछ हो रहा है, मजा बस यही करना, यही काम होता था। धीरे धीरे ये बहुत नोटिस होने लग गए थे क्लास में, पता चल जाता है ना धीरे धीरे क्लास में कौन इंटेलिजेंट है, ये आंसर करते थे बहुत, मैम लोग भी सब क्लास में बहुत पॉपुलर हो गए थे, ये बस हर वक्त सब टीचर कमरे जोशी, फिर हमारे सैम के टेस्ट होने लग गए थे, फिर हाईएस्ट मार्क में यही दिखते थे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क ही नहीं के आते थे क्लास में,
वो इट्स ओके, बट एक मुझे याद है, एक बार एक इन्होंने मुझे एक बार कॉल किया था, शायद आपको याद नहीं है, मेरे को कॉल किया था लाइब्रेरी के हाँ लेके। हाँ लाइब्रेरी में एक्चुअली मुझे इनसे एक हेल्प चाहिए थी, तो मुझे इनको करना पड़ा कॉल, क्योंकि मुझे अब पता चल गया था ना क्लास में कौन इंटेलिजेंट है, कौन मतलब सही सजेशन देगा, राइट सजेशन कौन देगा क्लास में, सब मतलब ही अपना काम है मतलब ही नहीं। अब आपने भी मुझसे पूछा था ना। हाँ भाई तो ठीक है, अपना 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 काम हो हाँ, गया तो करे, मैंने ठीक भी इनसे मतलब पूछा, क्योंकि मेरी दोस्तों ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि इनसे पूछे तो सही है, क्योंकि क्लास में इनका पता ही था कि इन्हें सब कुछ पता है, तो मैंने इनको कॉल किया था। तो वो इसलिए था कि मतलब जैसे हमें ना नया संघ स्टार्ट होता था तो तो लाइब्रेरी बुक्स से लेनी बुक्स होती लेनी है। होती थी, तो कौन सी बुक लेनी है पढ़ने के लिए इससे करके। तो मेरा क्या होता था, मैं पहले आ जाता था, हाँ जैसे हमारी समर वेकेशन खत्म होती तो मैं 10 दिन पहले आ जाता था ताकि बुक्स मिल जाएं लाइब्रेरी में, और क्योंकि मैं आती थी 10 दिन बाद कॉलेज खुलने के भी कुछ सेम चीजें रिप्लाई हो रही है, मैं क्लास में लेट आता था, ये वेकेशन के बाद लेट आते थे। बहुत लेट, मेरी हाँ दोस्ती भी बोलती थी तो इतनी लेट क्यों आती है, क्या करती है घर पे। घर वाले नहीं भेजते होंगे तुम्हारे। हाँ हाँ मेरे भैया नहीं भेजते थे। भैया नहीं भेजते थे, वो कहते यार हाँ हमारी लिए वो बेटी आ गई है तो प्यार थोड़ा बोलते हैं ना रो। एकदम, हमें ज्यादा हाँ हमें कब होता कब ये कॉलेज है कि जाए। ये 10 दिन पहले आते थे, मैं 10 दिन हाँ लेट जाती थी। हमने कुछ नहीं यार, सच बोलूं मैं आता था क्योंकि हमको हमारे मेरे सारे दोस्त आ जाते थे, और मेन था हमें बुक्स मिल जाती थी, क्योंकि कुछ बुक्स ना बहुत वो होती थी लिमिटेड होती थी वहाँ लाइब्रेरी में, और वो इंपॉर्टेंट बुक होती थी तो वो मिल जाती थी, और दूसरा हम क्रिकेट वगैरह खेलते थे तो तब शायद उन्होंने मुझे कॉल किया था वो बुक की थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो वो हमारी सेकेंड टाइम आती थी, दो बार हो गई हमारी बात अभी तक, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एक बार मैंने किया था, एक बार फिर इन्होंने किया, अब बात बराबर हो गई यहाँ तक, इक्वल 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 हो गए अभी हम। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही निकल गया, कभी लैब कभी कॉलेज कभी ये कभी वो, पढ़ाई में निकल गया, और सेमेस्टर खत्म हो गया फर्स्ट ईयर का, और रिजल्ट आ गया और रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये सेकंड टॉपर थे और हाँ सेकंड टॉपर था मैं, मैं और भी अच्छे नंबर से हाँ पास हो इनका भी गई। अच्छे नंबर आ गए थे आई थिंक, तो अच्छा हो गया था, रिजल्ट आ गया था क्योंकि हमने पढ़ाई करी थी और कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। फिर एक एक चीज़ और थी, जब हम उसके बाद फिर सेकंड ईयर में इंटर हमने किया ना, सेकंड ईयर में एक ड्रास्टिक चेंज आता है लोग बच्चों का, क्योंकि फर्स्ट ईयर फर्स्ट में ईयर में रैगिंग होती है ना, रैगिंग होती है और हमको उतना, बट अब इतनी नहीं होती है। अब तो नहीं है बट हमारे हाँ टाइम पे 2014 में बहुत रैगिंग होती थी। रैगिंग मीन्स थोड़ा सीनियर दबा के रखते थे कि अच्छे कपड़े, मतलब वो बोलते हैं ना कि बन ठन के मत जाओ, नॉर्मल तरीके से जाओ, थर्ड बटन और टाइनी पहननी है, बेल्टी पहनना है, मतलब पॉइंटेड आप शूज अगर पहनने, वो पहचान फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सेकंड ईयर के स्टूडेंट से मैच करेंगे तो आप पहचान ना पाए, नहीं पाए, एकदम ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। ड्रास्टिक चेंज आ जाता है ऐसा। तो इस पार्ट में बस एंड करते हैं, और इसके आगे की जो स्टोरी है, इसके आगे की जो हमारी जर्नी है, अभी बहुत बहुत अप्स एंड डाउन लंबी हैं, है। बहुत अप्स एंड डाउन है, बहुत लड़ाइयां हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हैं, बहुत एकदम मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है वो, तो वो हम आगे को बताते रहेंगे, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखें। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको पसंद आए तो उसे जरूर शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको इस स्टोरी में कुछ ऐसी चीजें लगी होंगी जो आप अपने से भी रिलेट कर पा रहे हैं तो वो कमेंट करके जरूर करके हमें बताएं जरूर कि बताएं। हाँ ये ऐसी एग्जैक्टली हमारे साथ भी हुआ था करके, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ कोई और भी है जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ था करके। तो दैट्स इट, वीडियो को एंड करते हैं पूरी, ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में इसी इंतजाम के साथ। और आई होप जितने लोगों ने भी वीडियो देखी है वो लोग हमारा वेट करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको दूसरी वीडियो चाहिए, चाहिए और आपको दूसरी वीडियो बनानी है कहीं हम भूल ना हाँ तो हमको याद दिलाते रहे किसी भी माध्यम से, जाए। कमेंट करके करो 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 करके करो, जैसे सेकंड टाइम आपने प्लीज शेयर योर लव स्टोरी व्लॉग कहा तो हमने आज इसको बना ही बना दिया। दिया, तो ऐसे करके आई होप आप करेंगे। और टेक लिस्ट है, टेक केयर योर सेल्फ, बाय।